ताइवान को लेकर एक बार फिर चीन और अमेरिका आमने सामने आ गए हैं। चीन की धमकी के बावजूद अमेरिकी सदन की स्पीकर नैन्सी पेलोसी ताइवान के दौरे पर पहुंच गई हैं। पेलोसी के ताइवान दौरे पर चीन ने आपत्ति जताई है। चीन ने पेलोसी को ताइवान न जाने की हिदायत दी थी। चीन का कहना है कि अगर अमेरिका ऐसा करता है तो फिर उसका कड़ा जवाब दिया जाएगा। इस बीच ताइवान की मिलिट्री ने बड़ा दावा किया है कि चीन के 21 मिलिट्री एयरक्राफ्ट ताइवान के एयर डिफेंस जोन में घुस गए हैं। नैन्सी पेलोसी सिंगापुर, मलेशिया, साउथ कोरिया और जापान के दौरे पर हैं। अब तक उनके ताइवान दौरे को लेकर कुछ साफ नहीं था, लेकिन अब व्हाइट हाउस का कहना है कि ताइवान का दौरा करना पेलोसी का अधिकार है। पेलोसी मंगलवार रात ताइवान पहुंची थी। 25 साल बाद ऐसा हो रहा है जब अमेरिकी सरकार का कोई अधिकारी ताइवान जा रहा है। पिछले हफ्ते चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन से फोन पर बात की थी। इस फोन पर जिनपिंग ने बाइडेन से कहा था कि अमेरिका को वन चाइना प्रिंसिपल को मानना चाहिए। इस पर बाइडेन ने जवाब देते हुए कहा था कि अमेरिका ने ताइवान पर अपनी नीति नहीं बदली है और वो ताइवान में शांति और स्थिरता को कम करने की एक तरफा कोशिशों का कड़ा विरोध करता है। नैन्सी पेलोसी के ताइवान दौरे पर चीन कड़ा विरोध जता रहा है। चीन के विदेश मंत्रालय का कहना है कि अगर अमेरिका गलत रास्ते पर खड़ा रहता है फिर हम कड़े कदम उठाएंगे। दोनों देशों के बीच चल रही तनातनी किस नतीजे पर पहुंचती है ये देखने वाली बात होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, ईआन टीवी।